अमेठी में दो युवकों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने के दौरान बीजेपी नेता शिवनायक सिंह के बेटे सोनू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की इस वारदात को अमेठी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया है। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये बिशुनदासपुर थाना गौरीगंज का मामला है। अर्पित और चंद्रशेखर दो लड़के आपस में कहासुनी कर रहे थे, इसी बीच सोनू वहाँ पहुँचा और बात बढ़ गई, जिस पर चंद्रशेखर ने सोनू को गोली मार दी, जिसे जिला चिकित्सालय गौरीगंज ले जाया गया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सर, कोई आप पहली रंजिश कोई इस विषय में जांच और छानबीन चल रही है कि किन कारणों से झगड़ा हुआ, कैसे हुआ। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं वारदात की सूचना मिलने के बाद अमेठी की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग भी मौके पर पहुंच गई, जहां एसपी को परिजनों और ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इनके छोटे भाई जो सोनू, जिसकी हत्या हुई, उनके चाचा के एक लड़के हैं, उससे वाद विवाद हो रहा था। उनको किसी ने सूचना दिया कि आपके छोटे भाई को मार रहे हैं, तो ये वहीं रहते हैं गौरीगंज में, सही सही थे, चड्डी बनियान में थे, उसी वक्त चले गए और समझौता कराने लगे इस पे। उसके बाद लोगों ने उनको गोली मार दिया। चाचा, एक चीज़ आप अभी एक आरोप लगा रहे हैं कि जो जिसने गोली चलाई है, क्या चंद्रशेखर क्या नाम है, उसने जो वो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ, हाँ, ये पब्लिक का कहना है कि वो इनकी एसओजी टीम के साथ वो रहता है, पूरी मिली भगत है। पब्लिक कह रही थी, मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन पब्लिक कह रही थी कि वो इसमें वगैरह बेचता है। और अभी एक आध दो साल पहले 7-8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें एक को सजा हुई, एक जेल गया, बाकी 6 छोड़ दिए गए थे थाने से। तो ये सब तो है, वही तो स्मैक वाले हैं सब। ये कौन है ये जिसने गोली मारी है? अब नाम तो मुझे अभी नहीं पता चला है। लेकिन अभी आप इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं हो सकता। दो, जैसे वो उनका जो सोनू, जिसकी हत्या हुई, सोनू सिंह नाम, तो उनका कुछ और होगा मुझे लगता है। नहीं, अर्पित नाम का एक लड़का है, सनाब शिव प्रताप सिंह, वो बिशुनदासपुर के रहने वाले हैं, उनके शिव प्रताप सिंह के बड़े भाई के सोनू सिंह लड़के, तो उससे झपट हुई होगी, पान की दुकान पे, पान वान खाने में जो भी रहा हो, और उसके बाद ये समझौता कराने पहुंचे थे, इनको गोली मार दिया। वहीं मृतक सोनू सिंह के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 मांगे रखी है। जिला प्रशासन को सौंपे गए मांग पत्र में परिजनों ने मृतक सोनू सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। न्यूज डेस्क।